तो 4.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 4.4 भी आप लोगों को बहुत बचपन लगेगी। 4.4 का जो टॉपिक है जरा उस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.4। तो टॉपिक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर आपने पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन, अब आप पढ़ोगे अरिथमेटिक सीरीज। सवाल ये कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है। अच्छा, सीरीज का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है, आप उन सीक्वेंस की टर्म्स को आपस में ऐड कर दो तो वो आपके पास सीरीज कहलाती है। जैसे अगर आपके पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है 1, 5, 9, 13, ये एक अरिथमेटिक चल रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको 4 का नजर आ रहा है इसके अंदर। अगर आप इसको ऐड कर दो आपस में, मतलब अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, तो अब आप इसको बोलोगे अरिथमेटिक सीरीज है। तो ये है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलोगे आप इसको, और इसको आप बोलोगे अरिथमेटिक सीरीज। तो सिंपल अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगर आप टर्म्स को आपस में ऐड कर दो तो जो आपके पास आएगी उसको आप बोलोगे सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज बोलोगे आप उसको। अब कभी आप अरिथमेटिक सीरीज में नेगेटिव टर्म भी देख सकते हो। अब वो नेगेटिव का क्या मतलब है, आप तो ऐड ही करते हो लेकिन नेगेटिव कहाँ से आता है अगर आपके सीक्वेंस में नेगेटिव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सीक्वेंस है -10, -3, 4, 11, 18, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 का है। इसके अंदर मैंने 7 ऐड किया, ये आया, इसके अंदर 7 ऐड किया है, ठीक है, एक अरिथमेटिक है ये। जब आप इसकी सीरीज बनाओगे ना तो आप देखो नेगेटिव आ रहा होगा, मतलब -10, अगर आप -10 को -3 में ऐड करोगे तो उसको आप ऐसे लिखोगे -3, फिर होगा +4, +11, +18। तो कहने का मतलब है जो अरिथमेटिक के अंदर अगर आपको या किसी भी और सीक्वेंस के अंदर, सीरीज के अंदर अगर आपको नेगेटिव नजर आ रहा है तो वो नेगेटिव इसलिए होता है कि जिस सीक्वेंस को आपने ऐड किया उसके अंदर नेगेटिव आ रहा था। वैसे तो आप सीक्वेंस को ऐड ही करते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, आप उसको ऐड ही करते हो। वो अलग बात है कि आपकी सीक्वेंस में अगर नेगेटिव है तो आपको सीरीज में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव नजर आ रहा होगा, और अगर आपकी सीक्वेंस में कहीं नेगेटिव नहीं है तो आपकी सीरीज में भी कहीं नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक है उसकी अगर आप सीरीज बनाओगे तो उसको आप बोलोगे अरिथमेटिक सीरीज। अब अरिथमेटिक सीरीज का करना क्या है, सवाल है ना क्या करें इसके अंदर भाई। अरिथमेटिक सीरीज में सबसे पहली चीज आपके जहन में आएगी, इस पूरी सीरीज का सम क्या होगा। ये तो सीरीज हो गई ना, अब इस पूरी सीरीज का सम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूँ ये शुरू की मैंने 4 टर्म लिखी गए, मैं आपको बोलूंगा यार शुरू की 10 टर्म का सम निकालो। अरिथमेटिक सीरीज में निकालने के लिए आपको सम चाहिए, और क्या करोगे अरिथमेटिक सीरीज का, सम निकालोगे। तो अब सवाल है कि किसी भी अरिथमेटिक सीरीज का सम आपने कैसे निकालना है, उसका एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं। क्यों, एक फॉर्मूला जैसे जनरल टर्म फॉर्मूला था ना, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जरा गौर से समझो। अगर आप किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म बनाते हो, अगर आप सीरीज की जनरल टर्म बनाते हो, इन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क है, जब आप किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म बनाते हो ना तो उसमें जब आप एन की वैल्यूज पुट करते हो तो आपको टर्म्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन की जगह आपने 1 पुट किया तो पहली टर्म, एन की जगह 2 पुट किया तो दूसरी टर्म, एन की जगह 10 पुट किया तो 10वीं टर्म। ये होता है जनरल टर्म का, जब आप सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाते हो। अगर आप सीरीज के जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाते हो ना तो वो किस तरह वर्क करता है, वो इस तरह वर्क करता है कि वो आपको उतनी टर्म्स का सम देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो सीरीज का जनरल फॉर्मूला आपने बनाया है ना उसके अंदर अगर आप एन की जगह 3 पुट करोगे तो वो पहली टर्म से लेके तीसरी टर्म तक सबका सम आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसका एक फॉर्मूला बनाऊंगा ना अभी आप लोग, बल्कि इनफैक्ट मैं बना लेता हूँ, मुझे तो आता है ना फॉर्मूला इसका। अगर आप फॉर्मूला बनाओ, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला बनेगा n/2, 2 + n - 1, 4, तो 4, और इन शॉर्ट आंसर आ जाएगा 2n - 2। ये इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह 2 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पे दूसरी टर्म नहीं मिलेगी, मुझे पहली और दूसरी का सम मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं एन की जगह 3 पुट करूंगा तो मुझे 1 से लेके तीसरी टर्म तक का सम मिल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एन की जगह यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 2 6 -2 4। जब यहाँ पे आपने 3 पुट किया था तो अंदर 4 है और बाहर है 3/2। 3/2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 12/2 आ जाएगा, मतलब सिंपल 6 आ जाएगा। नहीं, 6 नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 3 पुट करेंगे 6, 4 आ जाएगा, 3/2, 12/2, नहीं 6 आना चाहिए। एक सेकंड, मैंने फॉर्मूला गलत तो नहीं बनाया, रुको। n/2 2a + n - 1d। अच्छा हाँ, 4 आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा तो अब आप एक काम करो, n की जगह यहाँ पे 3 पुट करो। हमें पता है शुरू की 3 टर्म का सम क्या है, शुरू के 3 टर्म को अगर आप ऐड करोगे ना तो 15 आ रहा है।
आप क्या करो इस फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट कर दो, जब 3 पुट करोगे 3 4 12 12 माइनस 2 10, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से हो जाएगा 30/2 जो कि 15 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब जब आप इस फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट करोगे ना तो ये पहली टर्म से लेके तीसरी टर्म तक आपको सम देगा, मतलब शुरू की 3 टर्म का आपको सम देगा। अगर आप यहाँ पे n की जगह 4 पुट करोगे तो ये शुरू की 4 टर्म का आपको सम देगा। ये फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। तो जनरल टर्म का जो सीक्वेंस की अगर आप जनरल टर्म निकालते हो उसमें जब n की वैल्यूज पुट करते हो तो आपको टर्म्स मिल रही होती है, अगर आपने 4 पुट किया तो चौथी टर्म, 5 पुट किया तो पांचवी टर्म। लेकिन जब आप सीरीज का जनरल फॉर्मूला निकालते हो उसमें आप जब भी n की वैल्यूज पुट करते हो आपको उतनी टर्म्स का सम मिल रहा होता है। 5 पुट किया तो पहले से लेके पांचवी तक का सम आपको मिला, 10 पुट किया तो पहले से लेके 10 टर्म का आपको सम मिल रहा होता है। इस तरीके से सीरीज के जनरल टर्म का फॉर्मूला जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो जरा मेन आपको फर्क नजर आना चाहिए, इसका जनरल टर्म का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे ना तो यहाँ पे आएगा 1 4n, तो ये किसके बराबर होगा, सिंपल ये। अब देखो ये है सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला, इसमें जब आप n की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको टर्म्स मिल रहे होंगे। जैसे मैं n की जगह 4 पुट करता हूँ, 4 4 16 16 - 3 क्या होता है 13, तो देखो आपको चौथी टर्म मिल रही है। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा। ये है सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला, जबकि ये जो है ये सीरीज के जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इसमें n की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको उतनी टर्म्स का सम मिल रहा होगा। तो ये मेन फर्क आपको बताना चाहिए इन दोनों जनरल टर्म के फॉर्मूले में क्या फर्क होता है। अच्छा मैं यहीं तक रखते हैं बाकी फालतू चीजें। क्या मैसेज किया हुआ है सर, कैन यू रिकैप सीक्वेंस एंड मेन फॉर्मूला इफ यू कैन। यार नहीं, वो फॉर्मूले की जरूरत है नहीं और रिकैप करने का फायदा है नहीं। सीक्वेंस का फॉर्मूला अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब रिकैप करवा दूंगा, मीन का कोई ताल्लुक नहीं है तो वो कोई फायदा नहीं है रिकैप करवाने का। अच्छा अब मेन, जैसे आपने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था ना, सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं आपसे बोलूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, तो आपने पढ़ा था a a + d a + 2d अप टू, जनरल टर्म क्या थी a + n - 1d, ये कहलाती थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म। तो जो बच्चा कह रहा था रिवाइज करना तो देख लो, उसमें a था फर्स्ट टर्म, d था कॉमन डिफरेंस, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। तो ये जनरल टर्म होती है सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है अरिथमेटिक सीरीज की तो आप इनको ऐड कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी अरिथमेटिक, लिख देना ये, चलो लिख दो AS का मतलब अरिथमेटिक सीरीज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आप इनको आपस में ऐड कर दो सब टर्म्स को, तो वही सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, बस कॉमा की जगह आपने क्या कर दिया, दरमियान में प्लस लगा दिया। अब जब ऐड करोगे तो ये बन गया अरिथमेटिक सीरीज। अब आ जाओ किस टॉपिक के ऊपर, कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, मतलब सम निकालने का हम फॉर्मूला किस तरह डिराइव कर पाए। तो बहुत ही एक मशहूर साइंटिस्ट था जिसका नाम मेरे जहन से निकल गया बिल्कुल, उसने ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था और उसके बारे में कहा यह जाता है, अब स्टोरी ठीक है नहीं वो अल्लाह बेहतर जानता है, कहा यह जाता है कि उसको असाइनमेंट मिला था, मतलब पनिशमेंट मिली थी कि 1 से लेके 100 तक आपने सम करना है, मतलब 1 नंबर जो पहला नेचुरल नंबर है और 100 जो है 1 2 3 करते करते अप टू 100 तक आपने सब नंबर्स को आपस में ऐड करना है। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब कैलकुलेटर इन्वेंट नहीं हुआ था, या अगर हुआ भी होगा तो नॉर्मल जगहों पे यूज नहीं होता होगा, मतलब कैलकुलेटर नहीं आप ये नहीं समझना कैलकुलेटर में डालते रहो आंसर आ जाएगा। तो मैनुअली ऐड करना बड़ा मुश्किल काम है। आप शुरू की 10-15 टर्म तो मैनुअली ऐड कर सकते हो, उसके बाद टर्म्स बहुत बड़ी होती जाती है, आपके लिए ऐड करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप 1 को 2 के अंदर ऐड करो 3 है, 3 को 3 के अंदर ऐड करो 6 है, 6 को 4 के अंदर ऐड करोगे 10 आएगा, 10 को 5 के अंदर 15। एक वक्त आएगा जब आप 20-25 तक के बाद जब ऐड करोगे ना तो वो टर्म्स बहुत बड़ी होती जाएंगी, तो मैनुअली ऐड करने में आपको काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसने एक फॉर्मूला निकाला, एक टेक्निक निकाली, उसी टेक्निक से मुताबिक हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो टेक्निक उसने क्या यूज की थी वही मैं आपको बताने लगा हूं, जनरल फॉर्म में बताने लगा। उसने इसको एग्जांपल ली थी, 1 से लेके 100 तक में उसने सम किया था, मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में बता रहा हूँ कि उसने क्या किया। उसने सबसे पहले जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना सीरीज की, इसको लिखो। फॉर एग्जांपल आपने, अच्छा एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने देखा था ना जनरल टर्म को आप टी एन से रिप्रेजेंट करते थे सीक्वेंस की, तो सीरीज की जनरल टर्म को आप एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कंसिडर कर लो ये अरिथमेटिक सीरीज है, इसको आपने ऐड करना है ना, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस पूरी सीरीज का मैं सम मालूम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नॉर्मली आप आखिरी टर्म लिखते हो ना, जनरल टर्म जिसको हम कहते थे, तो जनरल टर्म से पहले वाली टर्म क्या होगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ऑब्जर्व करो, फॉर एग्जांपल ये तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म में डी के साथ 2 आ रहा है,
तो जो उससे पहले वाली ट्रम होगी उसमें डी के साथ वन आ रहा होगा, के साथ एक नंबर कम आ रहा होगा ना उसमें। तो अगर इस ट्रम में डी के साथ एन माइनस वन आ रहा है, तो जो इससे पहले वाली ट्रम होगी उसमें डी के साथ एन माइनस टू आ रहा होगा। तो इससे पहले वाली ट्रम ये होगी, और उसके बाद जो आखिरी वाली ट्रम है वो क्या होगी, यही जो जनरल फॉर्म आपने लिखी हुई है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिखा, ताकि जो मैं भी फॉर्मूला प्रूफ करवाने लगा हूं आपका थोड़ा आइडिया भी आपको हो जाए। तो ये जनरल ट्रम है, इससे पहले वाली ट्रम क्या होगी, डी का कोफिशियंट एक कम होगा, तो एन माइनस वन से अगर आप वन कम करोगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने पहले सीधे तरीके से लिखा, जैसे उसने वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, पहले उसने एक सीधे तरीके से पूरी सीरीज देखी। उसके बाद उसने क्या टेक्निक लगाई, उसने फिर उल्टा लिखा है इसको। यही सीरीज है ना, आपको पता सम में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में ट्रम को लिख दो मैटर नहीं कर रहा, आप 100 को 1 में ऐड करो या 1 को 100 में ऐड करो क्या फर्क पड़ेगा, ऑर्डर मैटर तो नहीं कर रहा होता ना। उसने क्या किया, इसी सीरीज को उसने उल्टा लिखा, कैसे, आखिरी ट्रम उन्होंने पहले बना दी, क्योंकि ए प्लस एन माइनस वन डी, अच्छा उसके बाद ये वाली ट्रम है, बस आपने क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना अप टू, फिर कहां पे पहुंचोगे, यहां पे आओगे ए प्लस टू डी, आप आओगे ए प्लस डी पे, फिर आप फाइनली आओगे ए पे। क्या क्या करना है, आपने उल्टा लिख देना है इसको, बस पहले आपने सीधा लिखा हुआ था अब आपने उल्टा लिख दिया, एक ही बात है, जो इसका सम आ रहा होगा वही इसका सम होगा। ये लिखने के बाद जैसे उसने पहले लिखा था वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू 99 100 तक, उसके बाद उसने उल्टा लिखा, मतलब 100 प्लस 99 प्लस 98 अप टू प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इन दो तरीके से उसने लिखा। उसके बाद इसने इन दोनों को ऐड कर दिया, देखते हैं जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो SN और SN ये हो जाएगा 2SN। A को आप ऐड करो, अब पहली वाली ट्रम को आखिरी ट्रम में आप ऐड कर रहे हो, तो जब आप A को इस ट्रम में ऐड करोगे तो A प्लस A ये हो जाएगा 2A, बाकी N माइनस 1D अपनी जगह पे। मैं बात कर रहा हूं कि जस्ट आपने ट्रम्स को आपस में ऐड करना है ना, तो पहली ट्रम यहाँ पे ए है और यहाँ पे पहली ट्रम ये वाली पूरी है, इस ए को आपने इस पूरी ट्रम में ऐड करना है, तो ए प्लस ए 2 हो जाएगा और एन माइनस 1 डी तो अपनी जगह पे मौजूद है। फिर दूसरी ट्रम क्या है यहाँ पे, ए प्लस डी, ए प्लस डी को आप इसमें ऐड करो, अगेन ए प्लस ए क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डी को आपने ऐड करना है एन माइनस 2 डी में, कैसे ऐड करोगे भाई, डी अपनी जगह पे एन माइनस टू डी के अंदर आपने ऐड करना है इसको, तो एन माइनस टू डी का मतलब मल्टीप्लाई करो, ये सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा एन डी माइनस डी, मतलब डी माइनस टू डी क्या होता है, माइनस डी के बराबर होता है, फिर आप डी कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। कहने का मतलब जब आप डी को एन माइनस टू डी में ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन माइनस वन डी। तो क्या किया आपने, इस वाले टर्म को इसमें ऐड किया, ये रिजल्ट आ रहा है, इसको आपने इसमें ऐड किया, रिजल्ट आ रहा है। अगर आप देखो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, इसी तरीके से अगर आप a प्लस टू डी को इसके बाद जो टर्म आ रही होगी ना वो होगी n माइनस थ्री आ रहा होगा उसके अंदर, अगर आप इसके बाद टर्म लिखना चाह रहे हो ना, क्योंकि वो हमने एंड की दो टर्म लिखी थी ना यहाँ पे, अगर इससे पहले वाली टर्म जो होगी उसमें n माइनस थ्री आ रहा होगा, तो अगर a प्लस टू डी को आप उसमें ऐड करोगे a प्लस एन माइनस थ्री डी में, तो तब भी आपके पास यही आंसर आ रहा होगा, a प्लस एन माइनस वन डी, फर्क नहीं पड़ रहा। और ये पैटर्न चलता जाएगा एंड पे आ जाओ आखिर तक बिल्कुल, कि जो आखिरी दो ट्रम है उनको आखिरी दो ट्रम में ऐड करो, आखिरी ट्रम सेकंड लास्ट ट्रम ये है ना, इसको जब ऐड करोगे ए प्लस डी में, अगेन आपके पास ये चीज आएगी। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर सेम ही आ रहा है। इसी तरह यहाँ की जो आखिरी ट्रम है और यहाँ की जो है इनको आपस में ऐड करो, अगेन ये चीज आ रही होगी। तो आप ये फॉर्मूला प्रूव मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी पीछे छुपी हुई है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आप लोगों को बताई है ना, कि उसने पहले ये उसने इस तरह लिखा था वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू 99 100, फिर उसने लिखा 100 प्लस 99 और मैच करना चाह रहे तो 98 भी लिखो अप टू कहाँ पे लिखना है 2 प्लस 1, इसने इस तरह लिखा था और एग्जैक्ट वही काम आपने जनरल फॉर्म में किया। उसके बाद इसने इन दोनों को ऐड कर दिया था, अब ऐड करने के बाद रिजल्ट आपका ही आ रहा है। एक बात आप नोट करो यहाँ पे, इस पूरी सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। अगर आपको याद हो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था अरिथमेटिक का, इसके अंदर कितनी टर्म्स आप कंसीडर करते थे, एन टर्म्स कंसीडर करते थे, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी करते करते ये, इसको आप एन टर्म फॉर्मूला भी कहते थे, अगर याद हो, जनरल टर्म फॉर्मूला भी कहते थे और एनथ टर्म फॉर्मूला भी कहते थे, क्योंकि एन टर्म्स के लिए आपने फॉर्मूला बनाया था। तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना, टोटल एन टर्म्स हैं यहाँ पे।
अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार टू है तो आपने ऐड करना है, और मैं बोल रहा हूँ टू को आपने 10 दफा ऐड करना है, तो क्या आंसर आएगा? सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, टू को आपने 10 दफा ऐड करना है। ट्वेंटी इसका सिंपल एक तरीका क्या होता है, जब कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, जैसे टू 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 10 दफा टू आया हुआ, उसको आपने ऐड करना है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर आ रहा है बार बार रिपीट हो रहा है उसको लिखो, मल्टीप्लाई कर दो जितनी दफा वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपने ऐड करना है 3 + 3, मतलब 3 को आपने ऐड करना है कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 50 3 है जिनको आपस में ऐड करना है। अब आप मैनुअली ऐड करोगे तो आप बेवकूफ हो गए, आप क्या करो जिस नंबर को आपने ऐड करना है वो लिखो, और कितने टाइम ऐड करना है, 50 टाइम ऐड करना है, आप उससे मल्टीप्लाई करो। सेम वही काम आप यहाँ पे करोगे। अब देखो सारी टर्म सेम है, कोई फर्क नहीं है, 2a + n-1d, 2a + n-1d, 2a + n, सब सेम टर्म है, और ये कितनी टर्म्स होंगी, एन टर्म्स होंगी। अब जरा गौर से समझो, जब आपके पास 3 होते थे आप कहते थे कितने दफा ऐड करना है, मैं बोलता था 50 दफा ऐड करना है, तो आप क्या करते थे, 50 को उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। इसी तरह आपने इन टर्म्स को ऐड करना है, ये कितनी टर्म्स है, ये एन टर्म्स है, तो अगर आपने एन दफा इस टर्म को ऐड करना है तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई 2a + n-1d। मतलब ये जो टर्म है ये बार बार आ रही है ना, तो कितनी दफा आ रही है, ये एन दफा आ रही है, तो आपने क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे ये टेक्निक हमने बताई। ठीक है, 3 कितनी दफा आ रहा था, 50 दफा आ रहा था, तो आपने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, एग्जैक्ट वही काम करना है आप यहाँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। अब आखिरी चीज है, आपको 2SN का फॉर्मूला नहीं निकालना, आपको जस्ट SN का फॉर्मूला निकालना है, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को आप जाके डिवाइड करवा दो यहाँ पे। ये बच्चों फॉर्मूला है, मशहूर जमाना फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, इसको आप कहते हो अरिथमेटिक सीरीज, सम का फॉर्मूला है। इसमें बस आपने एन की वैल्यूज पुट करनी है, कितनी टर्म्स का आप सम चाह रहे हो वो पुट करो, अगर आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वो टेक्निक थी, अगर जनरल फॉर्म में देखो उसने क्या काम किया था, उसने यही काम किया था, उसने इस तरह लिखने के बाद इनको ऐड किया था, तो 1 को 100 में ऐड करो 101, 2 को 99 में ऐड करो 101, 3 को 98 में ऐड करो 101, करते जाओ करते जाओ, 99 को 2 में करो 101, 100 को 1 में करो 101। तो एक ही नंबर आ रहा है कितने दफा, अगर आप ऑब्जर्व करो इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, इसमें 100 टर्म्स होती है ना, 1 से लेके 100 तक कितनी टर्म होती है, 100 टर्म्स होती है, तो ये 101 को आपने 100 दफा ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, इस पूरी चीज का आंसर होगा 100 × 101। जैसे 3 50 दफा ऐड करना था ना आपने, तो आपने 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 101 को आपने 100 दफा ऐड करना है, तो आपने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 101। अब इसका आंसर निकालना कितना आसान है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये जो आंसर आएगा ना ये डबल आएगा, क्योंकि आपने एक ही चीज को 2 दफा ऐड किया, तो उसने क्या किया, यहां से 2 से डिवाइड कर दिया, तो सिंपल 50 × 101। अब ये काम कितना आसान उसने किया, कितनी आसान टेक्निक लगाई है, अगर वो पनिशमेंट के तौर पे मैनुअली ऐड करता 1 + 2 + कितना टाइम लगता है उसको, उसने सिंपल ये मैथ की और आंसर क्या आया, 50 × 101, और 50 को जब 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 50 याद आएगा, 5050। तो ये उसने टेक्निक लगा के अपनी पनिशमेंट को फौरन ही सॉल्व किया था, और उसके जरिए से अगर आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये वो टेक्निक है जो उसने अप्लाई की थी, वही टेक्निक लगा के हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाला। नहीं हाँ गॉस ही है, मैं कहा था ना सही, बिल्कुल पूरा नाम है जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये पता नहीं कौन सा ईयर होगा, 1700 में कुछ शायद था, मैंने पढ़ा था कि 1700 कुछ में ये साइंटिस्ट हुआ करता था, उस जमाने में जब ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में था इसको पनिशमेंट मिली थी। वाकया तो अच्छा, क्योंकि काफी जगह मैंने पढ़ा है, इसका मतलब वाकया ऑथेंटिक है, लेकिन खैर हमें वाकया से कंसर्न नहीं, हमें ये कंसर्न है कि उसने किया क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था जिसकी बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के पास मौजूद है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, मेरे जहन में 2 चीजें आई हैं और जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, और अरिथमेटिक सीरीज में इसका कोई सवाल भी नहीं आया, हैरत अंगेज तौर पे, शायद कोई सवाल आया हो लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो अरिथमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला है ना उससे रिलेटेड एकदम से मेरे जहन में बात आई, मैंने बताई नहीं आप लोगों को, वो बुक में डिस्कस थी, पता नहीं कैसे स्किप हो गई है, कि अरिथमेटिक सीरीज का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a + n-1d, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, इस फॉर्मूले को डिफरेंट अंदाज में भी लिखा जाता है, कैसे, इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जो 2a है ना, 2a को आप इस तरह लिखो, a + a, एक ही बात है, आप a + a लिखो या 2a लिखो एक ही बात है। उसके बाद अगर आप इस चीज पर गौर करो, ये चीज किसके बराबर थी, किसी को याद है, T1 हाँ T1,
भाई टी एन के बराबर है, टी एन के बराबर। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 4.2 के अंदर, जिसको ए एन भी आप कहते हो या टी एन भी कहते हो। तो ये पूरी चीज की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी एन या ए एन, कुछ भी आप लिखना चाहो, ठीक है। और कितने सवाल ऐसे होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, जो जनरल टर्म के फॉर्मूले होते हैं ना, इनके तीन नाम होते हैं। आप इसको nth टर्म भी कह सकते हो, आप इसको जनरल टर्म भी कह सकते हो, और कितने सवालों में इसको आप लास्ट टर्म भी कहोगे। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई टर्म आपको गिवन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जाए यार एक सीक्वेंस है जिसकी लास्ट टर्म ये, फॉर एग्जाम्पल बोले कि सीक्वेंस है 1 2 3 और उसकी लास्ट टर्म जो है वो 15 है। करो कितनी नंबर ऑफ टर्म है इसके अंदर, आपको पता है ना 15 टर्म है क्योंकि मैंने बनाया इस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर लेते हैं, A 1 3 और 5, फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर लो। एक सीक्वेंस चल रही है, आपको बोला मैं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो ये उन्होंने आखिरी टर्म दे दी आपको, इसको कह सकते हैं ना कि लास्ट टर्म आपको गिवन है फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप जब इसको फॉर्मूला लगाओगे ना, सिंपल एपी है, तो फॉर्मूले में जो टी एन है ना या ए एन है, इसको आप 15 लोगे। तो किसी सवाल में आपको बोला जाएगा लास्ट टर्म 15 है, तो लास्ट टर्म बोले आपको, एनथ टर्म बोले, जनरल टर्म आपको बोले, सबको आप ए एन से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक ही बात होती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी जनरल टर्म के फॉर्मूले में आपने यही पढ़ा था, एनथ जनरल या लास्ट टर्म। इसी तरह ज्योमेट्रिक को भी आप इस तरह बोल सकते हो, कोई भी नाम इसका आ सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट उसका डिफरेंट होता है कि लास्ट टर्म बोल रहे हैं या जनरल टर्म बोल रहे हैं। सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन में आप ए एन ही ले रहे होगे, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है कि लास्ट टर्म आप कब बोलोगे, जनरल टर्म आप कब बोलोगे, लेकिन सॉल्यूशन सेम नहीं होता है। दैट्स व्हाई इस फॉर्मूले में ए एन की जगह अगर आप बुक में देखो तो उन्होंने एन लिखा हुआ है और लास्ट टर्म। तो अब ये वाला फॉर्मूला उन्होंने प्रूव किया है। इस वाले फॉर्मूले की खास बात क्या है, इस वाले फॉर्मूले की खास बात यह है कि अगर आपको मैं कंडीशन दू, कंडीशन क्या है कि आपको सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दे दी जाए, आपको सीक्वेंस की लास्ट टर्म दे दी जाए, और आपको बोले उस सीक्वेंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट टर्म उसकी 2 है, लास्ट टर्म उसकी 52 है, और नंबर ऑफ टर्म फॉर एग्जाम्पल उसकी 15 है, और आपको बोला जाए सम निकालो। तो इस डेटा की मदद से आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कैसे यूज नहीं कर सकते भाई, आपको ए पता है, आपको एन पता है, लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस तो पता ही नहीं है, आप ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं पता। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप सम नहीं निकाल पाओगे, जबकि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये नहीं बोला कि सर इस फॉर्मूले को ओपन करके हम करेंगे तो ऑलमोस्ट आप यही चीज बना दोगे ना। तो कहने का मतलब आप इस फॉर्मूले में सॉल्व कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को डिराइव करके जब आप इस रिजल्ट पे पहुंचे हो ना, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म पुट करोगे आपके पास सम आ जाएगा। दैट्स वाई ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है और ये वाला भी यूज होता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपको डेटा किस हिसाब का दिया है। तो ये वो बात थी जो मिस हो गई है, और हैरत की बात है बुक में टॉपिक डिस्कस है लेकिन इसका कोई सवाल नहीं है, सर? तो और जो बुक एसएन का जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और ये जो आखिरी वाला है हाँ इस पे एल आ रहा है, हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है सर, ऐसी ठीक है। अच्छा मसला ये है कि इन्होंने बुक में टॉपिक डिस्कस किया ना, बुक में एग्जांपल डाली है, ये आपको मिलेगा अरिथमेटिक सीरीज का ना, 4.4 में कोई सवाल है इसका। लास्ट बुक में ना सवाल हुआ करते थे इसके, वो सवाल पता है किस टाइप के होते थे, कि अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ देखो ना, इसके अंदर 5 चीजें, कौन कौन सी, ए बी एल एन एस एन, ये 5 चीजें हुआ करती थी। और सवाल आपके पास क्या होता था, आपको कोई 3 चीजें वो दे दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, आपको मैं ए दे दूं, आपको मैं एन दे दूं, और आपको मैं एस एन दे दूं, ये चीज आपको पता है, और मैं आपको बोलूं कि एल निकालो और डी निकालो। इस टाइप का सवाल पुरानी बुक में हुआ करता था जो इस दफा आपको नजर नहीं आया, तो उन सवालों में फिर आपको इन दोनों फॉर्मुलों की जरूरत पड़ सकती थी। और एक तीसरा फॉर्मूला भी आप बनाते थे, तीसरा फॉर्मूला ये है ना जनरल टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको आप नॉर्मली ए एन से लिखते हो, लेकिन अपने मतलब पूरा करने के लिए ए एन की जगह आप एल भी लिख सकते हो, वही जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब अगर पूरा करना है आपको, लास्ट टर्म निकालनी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो इन तीन फॉर्मूलों की मदद से आप इन सवालों को सॉल्व किया करते थे, ये लास्ट बुक का सवाल होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, आप इसमें से एल निकाल सकते हो या नहीं, एल निकाल सकते हो आप, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी। इस वाले फॉर्मूले से लास्ट टर्म नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आपको पता। इस वाले फॉर्मूले में आपको एस एन पता है, ए पता है, एन पता है, आप लास्ट टर्म इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो आपके पास एल आ जाएगा। फिर रही बात डी, आपने निकालना, अब आपकी मर्जी है,
आप डी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और आप डी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप बेवकूफ होगे अगर आप डी इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि आपको ए एन और एस एन तो पता है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट डी निकालना चाहो ना तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट डी निकाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप एल निकालना, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है कंपेरेटिवली, इनके कंपेरिजन में थोड़ा मुश्किल है ना। तो आपने इससे एल निकाल लिया और इस वाले फॉर्मूले से आपने डी निकाल लिया, या आप इससे डी निकाल सकते हो, इससे एल निकाल सकते हो, ये भी सही है। तो असल काम इसका पुरानी बुक में आपको नजर आता था और उसके कुछ एक दो सवाल भी थे, वर्ड प्रॉब्लम थे जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बुक में ये कोई सवाल ही नहीं आया, दैट्स व्हाई मेरा टॉपिक स्किप हो गया, मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन खैर ये है, ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है इसके। अच्छा, एक और टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, अगेन उसका सवाल नहीं दिया हुआ। ये टॉपिक मीन के अंदर होना चाहिए था, पहले मीन के अंदर ही हुआ करता था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने मीन के अंदर बोला था कि मैं एक चीज बताऊंगा, वो मेरे जहन से भी निकली, क्या बताना था, वो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन के सम को मालूम करने के लिए। क्या मतलब? 4.3 में आपने टॉपिक पढ़ा था कि अगर आप किसी दो नंबर्स के दरमियान मीन इंसर्ट किया करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिचुएशन दूं कि यार आपके पास दो नंबर है, एक है फॉर एग्जाम्पल 2 और एक है 10, मैं आपको बोलूं इनके दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, 2 और 10 के दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर लेना जिस तरह निकालते हैं। आप क्या करते थे, अरिथमेटिक मीन किस तरह इंसर्ट करते थे, डी निकालते थे। डी क्या होता था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, बी यहाँ पे 10 है, ए यहाँ पे 2 है, कितनी आपको इंसर्ट करनी है, तीन इंसर्ट करनी है ना, 3 + 1 क्या होता है 4, 10 - 2 8, 8 / 4 क्या होगा 2 के बराबर। तो पहली अरिथमेटिक मीन क्या होगी, 2 के अंदर 2 ऐड करो 4, दूसरी क्या होगी 4 के अंदर 2 ऐड करो 6, तीसरी क्या होगी 6 के अंदर 2 ऐड करो 8, तो तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट आपने कर लिया 2 और 10 के दरमियान। लेकिन ये तो रेगुलर सवाल है जो आपने वहां पे किया था, लेकिन अगर आपको ये ना बोला जाए कि यार तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, ये सवाल आपको ना दिया जाए, आपको ये दिया जाए कि यार 2 और 10 के दरमियान अगर हम तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो उन तीन अरिथमेटिक मीन का सम क्या होगा। आपको मीन निकालने को नहीं बोला गया, तीनों अरिथमेटिक मीन निकालने को नहीं बोला, आपको बोला कि अगर हम तीन इंसर्ट करेंगे तो उनका सम क्या होगा, सम पूछा जा रहा है आपसे। तो उसमें आपके पास एक लंबा वाला तरीका क्या है कि आप पहले तीनों को मालूम करो, जब तीनों आ जाए फिर उनको आपस में ऐड करो, जब ऐड करोगे तो रिजल्ट यहाँ पे 18 आ रहा है। अब ये लंबा तरीका है, क्यों? क्योंकि आपको अरिथमेटिक मीन निकालने का नहीं बोला था उन्होंने, इसका सम निकालने को बोला था। तो लंबा वाला तरीका ये है, जबकि शॉर्ट तरीका क्या है, ये फॉर्मूला यूज कर लो। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन का। कैसे वर्क करेगा, एन यहाँ पे क्या है, तीन अरिथमेटिक मीन का आपने सम निकालना है तो एन की जगह 3 पुट कर दो। फिर फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी अपॉन 2, ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 10 है, जो जाएगा 12 / 2 6, 6 × 3 = 18, डायरेक्ट आपको सम का आंसर दे रहा है। ये फॉर्मूला आपको अरिथमेटिक मीन निकाल के नहीं देगा, उनका सम आपको निकाल के। तो ये टेक्निक काम आएगी उन सवालों में जो सवाल मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी दो नंबर्स के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन का सम निकालना है। अब पहले आप उन 6 अरिथमेटिक मीन को निकालोगे, फिर जब वो आ जाएंगे फिर उनको आपस में ऐड करोगे, कितना लंबा तरीका है। तो अगर आपको डायरेक्ट सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, एन की जगह 6 पुट करोगे, जो ए और बी की वैल्यू होगी आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने एन अरिथमेटिक मीन का सम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, इवन एग्जाम्पल में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक डिस्कस किया है उन्होंने, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इसका, लेकिन पता होना चाहिए, ई कैट लेवल पे या एमसीक्यू लेवल पे आ सकता है इस टाइप का छोटा सा सवाल, तो टाइम आपका बच जाएगा। वैसे आपका टाइम लगेगा इसमें, आपके 20-25 सेकंड बच जाएंगे अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो दो टॉपिक जो बार बार स्किप हो रहे थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो भी क्लियर करवा दी, इनके सवाल नहीं थे लेकिन पता होना चाहिए, बुक में मौजूद है। हाँ, तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो चलो आ जाओ एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सम द सीरीज, आपको सीरीज गिवन है, सब सवालों में अरिथमेटिक सीरीज गिवन है, लेकिन चेक करने का तरीका वही है जो आपने 4.2 में पढ़ा था, कि अगर आपके पास एक सीरीज गिवन है तो कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है। कॉमन डिफरेंस अगर दो दफा आप कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब पहली दो टर्म और दूसरी और तीसरी टर्म दो दफा कॉमन डिफरेंस निकालो, अगर वो मैच कर रहा है इसका मतलब वो अरिथमेटिक सीरीज है। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसका सम मालूम कर लोगे। तो मैं फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 4 देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसकी बात करते हैं। सीरीज आपके पास गिवन है 3/√2 + 2√2 + 5/√2, यार इसमें बोला हुआ है एन टर्म्स तक, ये रहना, तो पार्ट नंबर 5 करवाते हैं।
एन टर्म्स फिर वही जनरलाइज बात हो जाएगी, एन आ रहा होगा उसके आंसर में। मैं कोई फिक्स आंसर निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, पार्ट नंबर फाइव कर लेते हैं। तो सवाल सेम ही है, देखा हुआ 215 टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि जो अरिथमेटिक सीरीज है ना, इसकी शुरू की तीन टर्म्स देखनी है आपने, शुरू की 15 टर्म का सम निकालना है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला अरिथमेटिक सीरीज का होता है ना, ये वर्क कैसे करता है, अगर आप इसमें एन की जगह 15 पुट करोगे ना, तो पहली टर्म से लेके 15वीं टर्म तक सब टर्म्स का सम मिलेगा आपको। इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एन 15 पुट करो और आप फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है कि यार 10वीं टर्म से लेके 15वीं टर्म तक आप ऐड करो, मतलब वन से स्टार्ट नहीं करो, 10वीं टर्म से लेके 15वीं टर्म तक ऐड करो, तो अब जब इस फॉर्मूले में 15 पुट करोगे ना, तो आंसर आपको पहली टर्म से ही मिलेगा। तो अगर वो काम करना होगा तो वो फिर मैं बताऊंगा बाद में किस तरह करना है। वो सिंपल आप इस तरह कर दोगे, 15 टर्म का सम निकालोगे, उसको माइनस कर दोगे 9 टर्म के सम से, तो पीछे रिजल्ट में आपको 10 से लेके 15 टर्म तक का सम मिल जाएगा। खैर वो बात की बात है, वो बात का टॉपिक है, आई गेस नेक्स्ट चैप्टर में इस किस्म की टेक्निक आप लोग पढ़ोगे। तो पहले से मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे, कि जब आप 15 पुट करोगे ना सीरीज के फॉर्मूले में, तो पहली टर्म से लेके 15वीं टर्म तक जितनी भी टर्म्स हैं सबका सम आपको मिलेगा। तो चेक करना होगा अगर पेपर में, तो अगेन वही मैंने बात बोली है कि कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले शुरू की दो टर्म का निकालो, रूट टू को यहां से मल्टीप्लाई करो, टू हो जाएगा, टू टू फोर, ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री अपॉन रूट टू, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, मतलब वन अपॉन रूट टू। आप एहतियातन इन दो टर्म का भी निकाल के देख लो, फाइव अपॉन रूट टू माइनस टू रूट टू, ये हो जाएगा फाइव माइनस फोर अपॉन रूट टू। देखो अभी भी आंसर वन अपॉन रूट टू आ रहा है, इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक सीरीज है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ना। क्योंकि यहाँ पे तो भाई जाहिर सी बात है एक्सरसाइज है, तो अरिथमेटिक वो आपको दे रहे हैं, लेकिन पेपर में जब आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा ना अरिथमेटिक है ज्योमेट्री का क्या है। तो पहले चेक कर लेना, जब तसल्ली हो जाएगी अरिथमेटिक सीरीज है, अब आप अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला बड़ा इजी है, अभी आपने फॉर्मूला देखा उसमें चार चीजें आती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे थ्री अपॉन रूट टू, फिर दूसरा आता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है वन अपॉन रूट टू। अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है यहाँ पे 15 है, और आपको निकालना क्या होगा, सम निकालना होगा, मतलब एस एन निकालते हैं। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब अगेन वही आप डायरेक्ट एन की जगह अगर 15 पुट करोगे ना, तो शुरू के 15 टर्म का सम मिल जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि यार बेहतर है आप जनरल टर्म पहले निकाल लो, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लो, एन की वैल्यू पुट ना करो, एन ही रखो उसको, जब वो जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाए उसके बाद एन की वैल्यू पुट करो। इसका फायदा ये होगा कि जब जनरल टर्म फॉर्मूला निकालोगे ना, तो कोई भी आप एन की जगह पुट कर दो सबका सम आ देना। अगर डायरेक्ट एन की जगह 15 पुट करोगे ना, तो डायरेक्ट सम आ रहा होगा, वो जनरल टर्म का फॉर्मूला आएगा नहीं, लेकिन ये काम शॉर्ट होगा। अगर आप डायरेक्ट एन की जगह 15 पुट कर दोगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ चलो जनरल टर्म निकल जाए, फायदा हो जाएगा। तो मैं फिलहाल एन की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मैं बाकी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। टू ए मतलब इसको थ्री अपॉन रूट टू को आपने मल्टीप्लाई करना है टू से, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन रूट टू प्लस एन माइनस वन डी। डी यहाँ पे क्या है, वन अपॉन रूट टू, ये पुट कर दिया। अच्छा जी सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा सिक्स अपॉन रूट टू, ये वन अपॉन रूट टू जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू, और ये वन अपॉन रूट टू जब एन से होगा तो एज इज लिख दो। अब आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम यहाँ पे रूट टू आएगा, सिक्स माइनस वन फाइव होगा, ये हो जाएगा सिंपल फाइव रूट टू, फाइव अपॉन रूट टू, और ये हो जाएगा एन अपॉन रूट टू। चाहो तो आप ये आंसर आएगा ना, चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मतलब एलसीएम यहाँ पे क्या रूट टू आ रहा है ना, तो आप इस तरह लिख दो कि आप रूट टू के एलसीएम ले लो, फाइव प्लस एन आ जाएगा। अब देखो ये मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल दिया, अब इसका फायदा ये होगा कि अगर आप एन की कोई भी वैल्यू पुट करो ना, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लो, उसके बाद एन 15 पुट कर लो, क्या चला जाएगा आपका। तो अब आपको 15वीं टर्म का सम निकालना था ना, मतलब वन से लेके 15 टर्म जितनी भी थी उनका सम निकालना था, तो एन की जगह 15 पुट कर दो, ये हो जाएगा 15 अपॉन टू, ये हो जाएगा 5 प्लस 15 अपॉन रूट टू। तो 5 प्लस 15 क्या होता है, 20, 20 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो 150 अपॉन रूट टू। अब जिसको मैथ नहीं आ रही है तो जरा गौर से देखना, समझ आ जाएगा क्या किया मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब शुरू की 15 टर्म का सम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 अपॉन रूट टू। अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर इसको रैशनलाइज कर देगा, मतलब इस चीज को रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, 150 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 75 रूट टू। तो चाहे ये आंसर हो या चाहे ये आंसर हो, दोनों ठीक है।
डिपेंड करता है, कैलकुलेटर में निकालोगे तो ये आंसर मिलेगा, अगर मैनुअली निकालोगे तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इस तरह करोगे। पेपर में खैर नहीं आता है, प्रैक्टिस के लिए होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको यहाँ पे एन निकालना है। किसी और सवाल में एन नहीं निकालना क्या? मैं कहा वही करवा दो, चलो पहले यही करवा देता। अच्छा कौन सा इसमें पिक करूं मैं? फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव किसमें ज्यादा आ रहा है? पार्ट नंबर कोई भी ले लो, पार्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपके एक सीरीज गिवन है, लिखा हुआ है -9 -6 -3। अच्छा इन्होंने ना दरमियान में पॉजिटिव लगाया है, एक ही बात है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ सीक्वेंस है ना वो सीक्वेंस ये है -9 कॉमा -6 -3, ये सीक्वेंस है पूरी, इसको आपने ऐड किया हुआ है, तो तभी उनको आप बुक में देखो ना तो उन्होंने दरमियान में प्लस भी लगाया हुआ है बताने के लिए कि यार ये सीक्वेंस थी इसको ऐड किया दरमियान में पॉजिटिव आ रहा है। तो आप दरमियान में पॉजिटिव लिखो या इसी तरह लिख दो, कोई इशू नहीं है, ये पूरी आपकी अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है -9 -6 -3, फिर अगली टर्म होगी 0, क्योंकि आप 3 ऐड करते जा रहे हो ना, तो इसके अंदर 3 ऐड किया -6 आया, 3 ऐड किया आया, ये एक अरिथमेटिक सीरीज चल रही है। आपको बोला कि यार आप इसको ऐड करो ना, तो आपको आंसर मिल रहा है कि जो इसका सम है वो मिल रहा है 3225, ये सम मिल रहा है। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि आपको इस सीरीज की कितनी टर्म्स चाहिए, मतलब है ये सीरीज ही ना, मतलब कंफ्यूज ना होना, है तो ये सीरीज ही, -9 को आपने ऐड किया हुआ -6 के अंदर, ऐड किया हुआ -3 के अंदर, ये सीरीज पूरी चलती भी आ रही है, तो आपको बोला हुआ सीरीज की कितनी टर्म्स आपको चाहिए कि सम जो है वो कितना हो जाए, 3225 हो जाए। जैसे इस सीरीज की अगर आप 15 टर्म लोगे तो आपको सम क्या मिलेगा, 75√2। इसी तरीके से इस सीरीज की मैं कितनी टर्म्स लूं कि मेरे पास सम जो है वो 3225 आए, तो आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी, कितनी टर्म्स आपको चाहिए इस सीरीज की कि सम आपको 3225 मिले। अब आप डेटा बना लो, डेटा क्या गिवन है? सबसे पहली बात आपको ए गिवन है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे -9 है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है -6 और -9 का, निकाल लो, तो -6 -9 सॉल्व करो, आंसर 3 आ रहा है, सिंपल कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक और चीज आपको सम भी दिया हुआ है यहाँ पे SN, जैसे आपको वहां जनरल टर्म दी होती थी ना 4.2 में, तो आप उसको TN या AN लिया करते थे, तो यहाँ पे सम आपको दिया हुआ है तो आप SN लोगे इसको, और निकालना आपको यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्म। तो जरा फॉर्मूला कंसीडर करो, फॉर्मूला क्या है, SN N अपॉन 2 2A प्लस N -1D, आप वैल्यूज पुट कर दो, SN के अंदर आप पुट कर दो 3225, N की जगह आप पुट कर दो, N तो निकालना है खैर आपको। फर्स्ट टर्म क्या है -9, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -18, इसी तरह कॉमन डिफरेंस क्या है 3 के बराबर, तो जरा सॉल्व करते हैं, 2 को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 6500, और अंदर क्या होगा 3 को n से करो तो ये हो जाएगा 3n, 3 को -1 से करोगे -3, -3 और -18 ये हो जाएगा -21। उसके बाद चाहो तो आप अंदर 3 कॉमन ले सकते हो, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि 3 अगर डिवाइड भी करवाओगे तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3n2, n को -21 से करो -21n, ये सिचुएशन आ रही है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6500 को उधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा 3n2 -21n -6500। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए आप डिवाइड नहीं करोगे, आप लोग निकालोगे अपना कैलकुलेटर, नहीं आप लोग नहीं निकालना, पेपर में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, मिडिल टर्म ब्रेक पता नहीं होगी नहीं होगी या शायद मुश्किल हो, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उनको स्टेप्स दिखा देना, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ना निकालना तो बेहतर है, कि मिस्टेक कह सकता है कि भाई कैलकुलेटर से क्यों निकाला है, तो खैर मैं तो कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, 3 -21 -6500, तो बच्चों आंसर आपको मिल रहा है 50.17, नहीं ये नहीं हो सकता, गलती तो नहीं हुई भी कुछ, हाँ यहाँ गलती लग रही है, 225 को अगर डबल करेंगे ना तो 450 होगा, सॉरी ये 450 है यहाँ पे, तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6450 आएगा यहाँ पे, तुम लोग भी नहीं देखते यार, 6450, अब 6450 अब 3 से डिवाइड होता है क्या,
ये तो हो जाएगा यहाँ पे 1 आएगा 15, हाँ ये डिवाइड हो जाता है, तो इस इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दो, जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7n, और इसको अगर 3 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा -2, 1, 5, 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, -7 -2150। तो बच्चों यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो एक एन का आंसर, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा के सॉल्व करना है, अगर मिडिल टर्म ब्रेक करनी आती हो तो कर लेना वो भी सही है, लेकिन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा देना ज्यादा ईजी है। और एन की दूसरी वैल्यू आ रही है -43, तो भाई -43 तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि एन नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे नेचुरली होती है, नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब एन इज इक्वल टू 50 है, वो राइट आंसर है। मतलब अगर आप इस सीरीज की 50 टर्म लोगे तो जब उनको सम करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 3225। अच्छा जी हाँ, तो अब जरा 3 पे आ जाओ, 3 में क्या लिखा हुआ है, सम द सीरीज। अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इस पे जरा आते हैं, कोई भी पार्ट ले लो एक ही जैसे सारे के सारे, फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं। बोला हुआ है 9 + 12 - 15 + 18 + 21 - 24 + 27 + 30 - 33, और ये पैटर्न चलता जा रहा है 2, 3 n टर्म्स। आपको इस सीरीज की 3 n टर्म्स तक सम करना है। अभी थ्री आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो तो n टर्म्स के लिए है, अभी 3 n टर्म्स के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखो ये है क्या, ये अरिथमेटिक सीरीज है भी या नहीं है, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो अगर आप अभी देखो तो ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, क्यों, आप इसकी सीक्वेंस बनाओ। सीक्वेंस कैसे बनेगी, 9, 12 - 15, 18, 21 - 24, 27, 30 - 33, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अरिथमेटिक सीरीज में जो माइनस आता है ना वो सीक्वेंस के अंदर माइनस होता है, अरिथमेटिक सीरीज में आप खुद सब्ट्रैक्ट नहीं करते, आप तो हमेशा ऐड करते हो, ये माइनस आता है सीक्वेंस की वजह से। तो अगर सीक्वेंस में माइनस आ रहे हैं ना तो आपको सीरीज में भी माइनस नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो ये कहीं भी अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, क्यों, 9 के अंदर अगर आप 3 ऐड करोगे 12 आएगा, 12 के अंदर अगर आप 3 ऐड करोगे तो 15 आना चाहिए, ये तो -15 आ रहा है। तो दिखने में आपको बजाय लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस 3 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस 3 नहीं है, क्योंकि -15 में जब 3 ऐड करोगे तो -12 आना चाहिए, यहाँ पे 18 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बिल्कुल नहीं है, आपने इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है। अब कैसे बनाओगे, आप इसको 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 n लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई हमें 3 3 का पेयर काम आएगा यहाँ पे, और सवाल ही उन्होंने इस टाइप का दिया कि जिसमें जब आप 3 3 का पेयर बनाओगे तो काफी फायदा होगा आपको। ये सवाल लिखा हुआ था ना, आपने 3 3 का पेयर बनाया और अब इनको सॉल्व करो, 9 + 12 क्या होता है 21, 21 - 15 6, 18 + 21 क्या होगा, जो चलो पहले 21 - 24 करते हैं, ये होगा -3, -3 को 18 के अंदर ऐड करो 15, 30 - 3 क्या, 33 क्या होगा, -3, -3 को 27 में ऐड करो तो 24। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो अब ये जो है ना ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्यों, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 9 है, आप 6 के अंदर 9 ऐड करो 15, 15 के अंदर 9 ऐड करो 24, और इसकी अगली टर्म भी आप निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। इसकी अगली टर्म क्या होगी, इसकी अगली टर्म होगी 36 + 39 - 42, तो 39 - 42 क्या होता है, -3, -3 को 36 में ऐड करो 33, तो आप देखो अगले टर्म 33 है, क्योंकि 24 के अंदर आप 9 ऐड करोगे तो 33 आ रहा होगा। तो कहने का मतलब अगर आप इसको 3 3 का इस तरह बना के ऐड करो ना, और उसके बाद जो आपके पास सीरीज आ रही है वो अरिथमेटिक सीरीज है, उस पे आप अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात कितनी टर्म्स, मतलब n क्या होगा यहाँ पे, कितनी टर्म्स का आपने सम निकालना है, देखो यहाँ पे तो आपको बोला होता 3 n टर्म्स तक, लेकिन आपने क्या किया, इसकी 3 टर्म को आपने 1 माना है यहाँ पे, मतलब इस सीरीज की 3 टर्म को आपने 1 कंसीडर किया है, इसकी टोटल 6 टर्म को आपने 2 कंसीडर किया है। तो होगा ये कि पहले अगर आप 3 n टर्म्स तक निकाल रहे थे ना, तो अब आप कहां तक निकालोगे, अब आप निकालोगे 3, कौन है यार ये माइक्रोफोन का ख्याल रखा करो यार। अच्छा पहले अगर आप 3 n टर्म तक निकाल रहे थे ना, तो अब आप निकालोगे n टर्म्स तक, उसकी वजह क्या है, मतलब अब मैं n टर्म्स क्यों निकाल रहा हूँ, पहले 3 n था n, इसलिए क्योंकि पहले 3 को 3 ही माना जाता था, मैंने जो सीरीज बनाई है ना इसकी 3 थी उसको मैंने 1 बना दिया, यहाँ पे 3 टर्म्स को मैंने 1 कंसिडर किया, फिर टोटल 6 टर्म को मैंने यहाँ पे 2 टर्म बनाया, तो आपने क्या किया उसकी टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दिया। पहले अगर उसकी फॉर एग्जाम्पल पहले इस सीरीज के एन की वैल्यू होगी ना कुछ,
कंसीडर कर लो एन यहाँ पे आपने 10 पुट किया, तो 10 3 30, इस सीरीज के अंदर 30 टर्म थी, 30 टर्म को आपने इस सीरीज में क्या बना दिया, 10 टर्म बना दिया क्योंकि आपने 3 से डिवाइड कर दिया ना। कंसीडर कर लो अगर इसकी 30 टर्म थी तो इस वाली सीरीज में अब कितनी रह जाएंगी, अब 10 रह जाएंगी क्योंकि इसकी 3 को आपने 1 बना दिया। तो अगर पहले इसकी 30 थी तो अब कितनी हो जाएंगी, अब 10 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म थी आपने उसको 3 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये 3 एन था, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे जस्ट क्या बन जाएगा, एन टर्म्स बन जाएगा। और इसके बाद आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल एक अरिथमेटिक सीरीज है जिसको आपने एन टर्म्स तक यहाँ पे सम मालूम करना है, जिसमें आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाओ, सॉल्यूशन क्या होगा, ए आपको पता है यहाँ पे 6 है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 9 के बराबर है, और एन टर्म्स तक निकालना है, मतलब एन की कोई वैल्यू नहीं पता, बस जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने पूरा बना देना है यहाँ पे। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है 2a + n - 1d। जरा वैल्यूज पुट कर दो, एन की जगह कुछ भी पुट नहीं करना, ए 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, डी यहाँ पे है 9, 9n - 9 हो जाएगा, 12 - 9 क्या होता है 3 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 9n + 3। चाहो तो आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लेके बाहर लिख दो तो ये आंसर आ जाएगा 3n + 1। तो ये बच्चों आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लिया एन टर्म्स के लिए। अब आपको एन की वैल्यू नहीं पता, अगर एन की वैल्यू सवाल में दें तो आप यहाँ पे एन की जगह पुट कर दो वैल्यू, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों पार्ट यही है कि आपको बोला हुआ है 3n टर्म्स तक आपने सम निकालना है। तो टेक्निक बस आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, आप 3 को 1 बनाओगे, 3 थी आपने उसको 1 बनाया, ये 3 थी आपने 1 बनाया। तो अगर पहली वाली सीरीज के अंदर अगर इसके अंदर 3n टर्म्स थी तो आप क्या कर रहे हो, 3 को 1 बना रहे हो, मतलब डिवाइड बाय 3 कर रहे हो। अगर इसके अंदर टोटल 90 टर्म थी तो आपने यहाँ पे 30 टर्म कर दी उसकी, मतलब डिवाइड बाय 3 कर रहे हो। तो अगर पहले आपको 3n टर्म्स तक सम निकालना था तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, एन टर्म्स तक बनेगा, और एन टर्म्स से सम निकालने का तरीका आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अच्छा दिलफर्ज यही पेपर में सवाल आ जाए, और मे बी उस सवाल में ऐसा हो कि आप 4 टर्म को, पेपर में तो शायद इतना हटके नहीं देते, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई ऐसी सीरीज बनाए कि जिसमें 4 टर्म को आप 1 बनाओगे, ऐसा हो सकती है सिचुएशन कि जिसमें 4 टर्म को आप 1 लिखोगे, फिर अगली 4 को 1 ऐड करके 1 लिखोगे, और वहां पे अगर लिखा होगा 4n टर्म्स तक निकालो, तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4n होगा और यहाँ पे n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म को आपने 1 बनाया तो 3n टर्म्स है, डिवाइड बाय 3 करो तो यहाँ पे n आ गया। तो हल्की फुल्की चेंजिंग अगर आ जाए तो आप लोग आसानी से कर लोगे, तो मसला नहीं होगा आप लोगों को। अच्छा तो शुरू के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है, इतने मुश्किल नहीं है, बच्चों बच्चों वाले प्रॉब्लम है, देख लेते हैं इनको भी जरा। सबसे पहले आपको बोला हुआ है 4 में लिखा हुआ है फाइंड द सीरीज, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको एक अरिथमेटिक सीरीज के जनरल टर्म का फॉर्मूला दे दिया और आपको बोला हुआ सीरीज मालूम करो, देन फाइंड द सीरीज। सीरीज मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको सीक्वेंस पता है तो आप आराम से सीरीज निकाल सकते हो, सीक्वेंस को ऐड कर दोगे सीरीज आ जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म पता है ना तो आप सीरीज बना सकते हो। अब सवाल है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म निकालोगे किस तरीके से, उसकी जरा टेक्निक देख लो, इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान में रखो, थोड़ा गौर से समझो मैं बताना चाह रहा हूं। आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें T1, T2, T3, T4 आ रहा है, और फर्क है S1, S2, S3, S4, इसका क्या मतलब है जरा गौर से समझो। S1 का मतलब होगा पहली टर्म का सम, पहली टर्म का सम का मतलब पहली टर्म ही, मतलब पहली वाली टर्म को अगर खुद ही, मतलब S1 का मतलब कि पहली टर्म को सम करना है, T1 के बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। S2 का मतलब क्या होगा, मतलब S1 जो है वो तो T1 के बराबर ही होता है। S2 का मतलब क्या होगा कि शुरू के 2 टर्म को ऐड करो, मतलब T1 और T2 को ऐड करो। इसी तरह S3 का मतलब होगा शुरू की 3 टर्म्स को आपने ऐड करना है, तो शुरू की 3 टर्म क्या है, T1 + T2 + T3। इसी तरीके से S4 का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि शुरू की 4 टर्म को सम करो, ये मतलब बन गया। ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल पेपर में या अभी सवाल में आप S1, S2, S3, S4 आसानी से निकाल सकते हो,
कोई मसला नहीं होगा आपको इसके अंदर। सवाल ये है कि अगर आपको S1, S2, S3, S4 पता हो, जैसे इस सवाल में आपको T1, T2, T3, T4 पता था तो आपने S1, S2, S3, S4 निकाल लिया। अब अगर किसी सवाल में आपको S1, S2, S3, S4 पता हो और यहां से आपको T1, T2, T3 और T4 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप S1 ये वाला निकाल लो, उसके बाद में बाकी बातें बताता हूँ। क्या करो इस सवाल में, सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करो, n की जगह पे यहां पुट करोगे 2 बनता 2 होता है, सॉल्व करो आंसर 1 आ रहा है। फिर आप यहां पे S2 निकालो, n की जगह 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 2 जा 6। फिर आप S3 निकालो, 3 2 जा 6, यू जगह 5, 5 3 जा 15। फिर आप S4 निकालो यहां पे, 4 2 जा 8, यू जगह 28। जैसे ही आपके पास S1, S2, S3, S4 आ जाए, अब आपने क्या करना है, यहां से T1, T2, T3, T4 निकालना है। कैसे निकालोगे? कॉन्सेप्ट को जहन में रखना कि यार S1 का मतलब क्या होता है। S1 का मतलब होता है पहली ड्रम का सम, पहली ड्रम का सम मतलब T1, पहली ड्रम का सम क्या होगा, वही ड्रम होगी सिंपल। तो यहाँ पे T1 जो है वो बराबर होता है S1 के, और S1 की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। मतलब इस सीरीज की पहली ड्रम क्या है, 1 के बराबर। अब इस सीरीज की आप दूसरी ड्रम निकालो, दूसरी ड्रम कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, दूसरी ड्रम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, S2 माइनस S1। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह तीसरी ड्रम निकालने का फॉर्मूला होगा S3 माइनस S2, चौथी ड्रम निकालने का फॉर्मूला होगा S4 माइनस S3। अब ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, गौर से समझने में बात बताने लगा। शुरू के दो फॉर्मूले समझ लीजिए, चौथा वाला तो खुद ही आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। कि दूसरी टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा है S2 माइनस S1, क्या मतलब है इसका? मुझे जरा ये बात बताओ कि S2 के अंदर S2 और S1 में फर्क क्या है? सिंपल सी बात है, S2 और S1 में फर्क क्या है? S1 जो है ना वो पहली टर्म होती थी, S2 क्या होता था कि पहली टर्म के अंदर आप दूसरी टर्म ऐड कर दो, मतलब जो आपके पास S1 आया है उसके अंदर आप दूसरी टर्म ऐड कर दो, सिंपल ये फॉर्मूला है इसका। नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो कि अगर आपके पास लिखा हुआ है T1, T2, T3, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं S2 निकालो, S2 का मतलब क्या होता था, शुरू की दो टर्म का सम, शुरू की दो टर्म का सम का मतलब पहली टर्म का सम जो है उसको ऐड कर दो दूसरी टर्म के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में पहली टर्म को ऐड कर दो दूसरी टर्म के अंदर तो आपके पास S2 आ जाएगा, ठीक होगा। तो मैंने लिख दिया S2, यहां से अगर मैं T2 निकालना चाह रहा हूं तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, S2 माइनस S1 के, ये फॉर्मूला यहां पे लिख दिया। अब जरा तीसरी टर्म का समझ लो वो कहां से आया, गौर से समझना। अगर मैं आपको बोलता हूं S3 किसके बराबर है, तो S3 किसके बराबर होगा, इन दो टर्म का सम। देखो S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है शुरू की तीन टर्म को आपने ऐड करना है, बहुत ही मुश्किल चीज है जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, इन शुरू की तीन टर्म को आपने ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करोगे भाई, शुरू की दो टर्म को अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आता है, S2 आता है। आप क्या करो, आप शुरू की दो टर्म को ऐड करो तो S2 आएगा, इस S2 के अंदर आप T3 को ऐड कर दो, S2 के अंदर मैंने क्या किया, T3 को ऐड कर दिया, तो ओवरऑल मेरे पास तीनों टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। मैं आप S4 का बताता हूं, शायद मजीद बात क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं चार टर्म का सम निकालो, इसको आप किस तरह कह सकते हो, आप इसको ये कह सकते हो कि शुरू की तीन टर्म का सम प्लस चौथी टर्म, शुरू की तीन टर्म के सम में आपको मिल गया, इसके अंदर अगर आप चौथी टर्म ऐड करोगे तो ओवरऑल चार टर्म का सम मिल जाएगा आपको। तो अगर चार टर्म का आपने सम निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि शुरू की तीन टर्म का सम और उसके अंदर आप ऐड कर दो चौथी टर्म, यही फॉर्मूला बनेगा ना। तो अब इन फॉर्मूलों से मैंने ये लिखा था, जैसे T2 किसके बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1 के, इसी तरह T3 किसके बराबर हो जाएगा S2 को उधर ले जाओ S3 माइनस S2 के, और T4 किसके बराबर हो जाएगा S3 को उधर ले जाओ S4 माइनस S3। देख लो जरा इसको, अगर समझ आ जाता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये बात सबको समझ आ गई यहां पे? यस सर। कोई मसला किसी को? नहीं, इसका मतलब समझ आ गई आप लोगों को। तो ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों को समझाए हैं, अगर वैसे याद रखना चाहते हैं तो याद रखना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि T3 का मतलब S3 माइनस S3, T4 का मतलब S4 माइनस S3, इसी तरह T10 का मतलब क्या हो जाएगा S10 माइनस S9। तो याद भी कर सकते हो और कॉन्सेप्ट से भी देख लो। एक दफा आखिरी चीज दोबारा बताए तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप T5 का फॉर्मूला निकालना चाह रहे तो T5 में आप क्या टेक्निक लगाओगे कि पांचवीं टर्म आप कैसे निकालोगे? सिंपल, आप क्या करो, पांच टर्म का सम निकालो। पांच टर्म का सम क्या होगा, टेक्निक क्या होगी,
आप कहोगे यार ये पूरी पांच टर्म है ना, इसका आपने सम निकालना है जिसको S5 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप क्या करो, आप शुरू की चार टर्म का सम निकालो, शुरू की चार टर्म के सम का क्या लिखोगे S4। अच्छा तो मैं आप लोग क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने शुरू की पांच टर्म का सम निकालना है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट क्या यूज करो कि शुरू की चार टर्म का सम निकालो, शुरू की चार टर्म का सम क्या होगा S4 के बराबर। ये जो शुरू की चार टर्म आई है इसके अंदर आप ऐड कर दो पांचवी टर्म, तो आपके पास ओवरऑल पूरी पांच टर्म का सम आ जाए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसके मुताबिक अगर आप T5 निकालोगे तो T5 किसके बराबर होगा S4 को, तो ले जाना तो T5 बराबर हो जाएगा S5 माइनस S4 के, ये पूरा। अब जरा आ जाओ किस तरह आप टर्म निकालोगे। तो पहली टर्म तो आपके पास आ गई, दूसरी टर्म कैसे आएगी S2 माइनस S1, मतलब 6 माइनस 1। ये बराबर हो जाएगा 5 के। तीसरी टर्म कैसे आएगी S3 माइनस S2, ये हो जाएगा 9 के बराबर। चौथी टर्म कैसे आएगी S4 माइनस S3, S4 है 28 S3 है 15, हो जाएगा। तो ये आपके पास शुरू के चार टर्म आ गई है। अब आप अरिथमेटिक सीरीज आसानी से लिख सकते हो, तो आप लिखो हेंस सीरीज विल बी मैथमेटिक सीरीज क्या होगी, 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13, और ये पैटर्न पूरा चलता जाएगा। तो आपने शुरू की चार टर्म निकाली, जैसे चार टर्म आ गई है, सीरीज बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है, चारों टर्म को आप उसमें ऐड कर दो और एक सीरीज बन जाएगी। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, शुरू की दो टर्म का सम जो है वो 6 के बराबर है, शुरू के 3 टर्म का सम 15 है और शुरू के 4 टर्म का सम 28 आ रहा है, तो ये वेरीफाई भी कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे एक अरिथमेटिक सीरीज भी आ जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, मैं आइडिया दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जो है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, उस पर आ जाओ। जरा 5 पहले करते हैं फिर 7 कर लेंगे। में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फाइव सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है जल्दी से बताओ। रिमाइंडर 0 हो जाए। अरे कोई सवाल में चार समाप्त निकालोगे फिर आप बाकी सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये कि 1 से लेके 100 तक के जो 100 नेचुरल नंबर्स है ना, इनको आपस में आपने ऐड करना है। लेकिन जो 100 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं ना, इन सबको आपस में ऐड नहीं करना आपने। इसमें से वो नंबर्स जो 3 या 7 से डिवाइड होते हैं उनको आपने ऐड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल 7, पे डिवाइड होता है ना। तो 7 आपने ऐड नहीं करना इस पूरी सीरीज के अंदर। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप इसकी अरिथमेटिक सीरीज बनाओगे तो अरिथमेटिक बनेगी नहीं। क्यों, ऐसे नंबर्स को आप हटा दो जो 3 या 7 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे 1 प्लस 2 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 तो 3 से डिवाइड होगा। फिर 4 होगा 5 होगा, अगेन 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 डिवाइड होता है 3 से। 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 7 7 से डिवाइड होता है। फिर आप 8 लिखोगे, 9 नहीं लिख सकते। फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, 12 नहीं लिख सकते। 13 होगा, 14 नहीं लिख सकते। 15 नहीं लिख सकते। 16 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब अगर आप देखो तो अरिथमेटिक सीरीज नहीं बन रही है यहाँ पे। इसका क्या कॉमन डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। इनमें 1 आ रहा है, इनमें 2 है, इनमें 1 है, फिर इसमें 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप उन नंबर्स 1 से लेके 100 तक, वो नंबर जो 3 या 7 के टेबल में नहीं आते, अगर आप उनकी सीरीज बनाओगे तो आप कोई फॉर्मूला लगा के इनको सॉल्व नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक लगानी पड़ेगी। और डिफरेंट टेक्निक क्या होगी, जरा 4 स्टेप में वो टेक्निक है उसको जरा हम समझते हैं। कि सबसे पहले आप 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि मैंने यहाँ पे S100 मालूम कर लेना है। S100 का मतलब 1 से लेके 100 तक मेरे पास सब नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। लेकिन आपको सब नंबर्स का तो सम नहीं निकालना था ना, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे निकालोगे S प्राइम। S प्राइम का मतलब मतलब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे S3 यूज नहीं करना चाह रहा, वो कंफ्यूजन होगी, मैं S प्राइम यूज कर रहा हूँ। S प्राइम का मतलब क्या है, 1 से लेके 100 तक जो भी नंबर्स 3 के टेबल में आ रहे हैं उनको आप ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नंबर्स, 3 6 9, आप ऐड करते हैं जो अप टू 99। ये वो सब नंबर्स है जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, आप इन सबको आपस में ऐड करो। ऐड कर लिया, सब नंबर्स को ऐड करो जो 7 के टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में कौन कौन से नंबर है, 7 14 21 अप टू आखिरी नंबर कौन सा है, 98। 98 7 के टेबल में आता है, आप इसको डबल प्राइम कह देते हैं। आप इनको आपस में ऐड करो, ठीक है। क्या करो आप उन नंबर्स को, अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 21, 21 3 के टेबल में भी आता है, 21
सेवन के टेबल में भी आता है, दोनों टेबल में आता है। हम टेक्निक यहाँ पे क्या रखना चाह रहे हैं, हमने शुरू के 100 नेचुरल नंबर का सम निकाला था, जो भी हमारे पास 100 नेचुरल नंबर का सम आ रहा होगा उसको हम लिखेंगे। अब हमें 100 का नहीं निकालना था, हमें उन नंबर्स का नहीं निकालना जो 3 और 7 के टेबल में आते हैं, तो आप क्या करोगे, इस एस प्राइम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये उन नंबर्स का सम है जो 3 के टेबल में आते हैं, उनका सम हमें नहीं चाहिए। तो आप 100 नेचुरल नंबर के सम में से उनका सम निकाल दोगे, मतलब 3, 6, 9 इन सब टर्म्स को निकाल दिया आपने दरमियान से। इसी तरह आप उन टर्म्स को भी निकाल दो, उनका सम भी निकाल दो जो 7 के टेबल में आते हैं, तो आपने एस प्राइम भी निकाल दिया। करो यहाँ पे टेक्निक क्या यूज की, शुरू के 100 नेचुरल नंबर निकाले, उसके बाद आपको 3 और 7 वाली जो नंबर्स थे जो 3 और 7 के टेबल में आते हैं उनका सम आपको नहीं चाहिए था, तो आपने क्या किया, उनका सम जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो रिमेनिंग जो आपके पास सम आएगा वो उन नंबर्स का आएगा जो ना तो 3 के टेबल में आते हैं ना वो 7 के टेबल में आते हैं। अब इसमें एक मसला है, वो मसला डिस्कस करते हैं। मसला क्या है, ये जो एस प्राइम और एस डबल प्राइम है, इसके अंदर कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो आपने दो दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब 21 आएगा और इसमें भी 21 आएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि 21 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, तो आपने यहाँ पे भी 21 को सब्ट्रैक्ट करवाया, यहाँ पे भी 21 को सब्ट्रैक्ट करवा दी, आपने एक नंबर को दो दफा सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो मसला हो जाएगा, सम हमारा गलत आएगा, क्योंकि एक नंबर को एक ही दफा आपने हटाना है ना, दो दफा थोड़ी ना हटाना, मतलब इस सम में एक दफा 21 आ रहा था, तो उसको हटाने के लिए आप एक दफा सब्ट्रैक्ट करोगे, आपने दो दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से 42 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 42 यहाँ पे भी आएगा, 42 यहाँ पे भी आएगा, आपने दो दफा 42 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड आपने एक दफा करवाया और सब्ट्रैक्ट आपने दो दफा कर दिया। इसी तरह 66, इसी तरह 84, ये चार नंबर है 1 से लेके 100 तक जो 3 के टेबल में भी आते हैं, 7 के टेबल में भी आते हैं, आपने इनको यहाँ पे दो दफा सब्ट्रैक्ट करवाया, तो उसका मतलब कंपनसेट करने के लिए एक और दफा ऐड करवाओ, क्योंकि एक दफा यहाँ पे ऐड हुए हैं और दो दफा सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो कंपनसेट करने के लिए एक और दफा इनको ऐड करवा दो, ताकि इनका इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाए। तो उन नंबर्स को आप बोल देना, फॉर एग्जांपल एस ट्रिपल प्राइम ये हो जाएंगे 21, चार ड्रम का जो सम आ रहा होगा उनको आप ऐड करवा, क्योंकि आपने दो दफा सब्ट्रैक्ट करवाया, तो एक दफा आप ऐड करवाओगे, एक दफा तो यहाँ पे था, एक दफा आपने यहाँ पे किया, अब उनका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है जिसके तहत आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। अब आ जाओ, सॉल्व कैसे करना है इसको, मेथड मैंने बता दिया पूरा, अब जरा स्टेप्स लगा के इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है ना, उनका हम सम निकालते हैं। फॉर्मूला एक काम करना, सवाल में सबसे पहले सम का फॉर्मूला लिख लेना, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये लिख लेना। फॉर एग्जांपल इसको वन बोल दो या ना बोल दो, ऐसे रहने दो। इस फॉर्मूले को आपने बार बार इस्तेमाल करके सारी सीरीज के सम निकाल लेना। सबसे पहले 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर है, इन सबको आपस में ऐड करना। तो फॉर्मूला लगाओ जरा, यहाँ पे 100 टर्म्स है यहाँ पे, तो n की जगह आप पुट करोगे 100, ये मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, n की जगह आप पुट करोगे 100, 100 माइनस 1 क्या होता है, फिर ऐसे ही रहने देते हैं, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, 100 माइनस 1 99 को 2 में ऐड करो 101, तो सॉल्व करो, शुरू के 100 नेचुरल नंबर का सम आता है 50 50, सम निकालो 1 से लेके 100 तक जो 3 से डिविजिबल होते हैं, उनका जरा हम सम निकालो, वो कौन कौन से नंबर है, 3, 6, 9 करते 96, 99, तो 1 से 100 तक ये वो नंबर थे सारे जो 3 के टेबल में आते हैं, इनका जरा हम यहाँ पे सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको S प्राइम हम कह देते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, आप एक काम करो, आसानी अगर आपने करनी है तो 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, करते करते यहाँ से जब आप 3 कॉमन लोगे ना, तो 32 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा, जितने भी टर्म्स के आपने उसमें से 3 कॉमन ले लिया ना, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, 3 कॉमन लेने के बाद ये सिंपल आपके पास एक अरिथमेटिक सीरीज बन गई है, 1 से लेके 33 टर्म्स तक का आपने सम निकालना है यहाँ पे। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या कहता है, n अपॉन 2, n यहाँ पे 33 है, फिर फॉर्मूला कहता है 2a, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो 2 से, एक ही बात है, n यहाँ पे क्या है 33, तो 33 माइनस 1 क्या होता है,
32 और कॉमन डिफरेंस 1 ही है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। 32 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 34, 34 को आप 2 से डिवाइड कर दो ये हो जाएगा 17, तो 3 × 33 × 17 ये सिचुएशन। तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, 33 × 17 तो ये हो जाएगा 1683 आ गया 1683। नंबर्स का सम निकालो जो 7 के टेबल में आते हैं, तो सम ऑफ नंबर से लेके 100 तक जो डिविजिबल हो 7 से, एस डबल प्राइम कह देते हैं हम। यहाँ पे क्या बन जाएगा 7, 14, 21 अब तो कहां तक जाना है आपने 91, 98 आखिरी नंबर 1 से लेके 100 के दरमियान 98 है जो 7 के टेबल में आते हैं। अब आसानी के लिए 7 कॉमन ले लो यहाँ से, तो पहले टर्म से 1 बचेगा, दूसरी में से 2, तीसरी में से 3, अप टू करते करते जब इसमें से 7 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ पे 14 बन जाएगा। ब्रैकेट में देखो तो सिंपल एक अरिथमेटिक सीरीज है, 1 से लेके 14 तक का आपको सम चाहिए, तो फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला क्या कहता है, n अपॉन 2, n यहाँ पे 14 है, 14 माइनस 1 क्या होता है 13, और कॉमन डिफरेंस तो 1 है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। 2 + 13 = 15 होता है, अच्छा 14/2 क्या होगा 7 के बराबर होगा, और 2 + 13 क्या होता है 15 के बराबर, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, 7 × 7 = 49 होता है, 49 × 7 735, तो इन सब नंबर्स का सम जो है वो 735 आ रहा है। दफा निकालो उन नंबर्स का सम जो कि दोनों टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में भी आते हैं 4 के टेबल में भी आते हैं, तो सम ऑफ मैं नेचुरल नंबर को n लिख देता हूं 1 से लेके 100 तक जो कि डिविजिबल हो डिविजिबल बाई 3 और 7, जो 7 से भी डिविजिबल होते हैं और 3 से भी डिविजिबल होते हैं उनको हम s ट्रिपल प्राइम कह देते हैं, वो कौन कौन से नंबर है 21, 42, 66, 84 ये वो नंबर्स हैं। तो चाहो तो इनको भी आप अरिथमेटिक सीरीज के फॉर्मूले से निकाल लो या मैनुअली भी आप निकाल सकते हो, मैं अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगाता हूँ, 21 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, फॉर्मूला ना भी लगाओ 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से तो ये हो जाएगा 210। जब ये आपके पास आ जाए मतलब आपका सवाल हो गया, अब आप फाइनल आंसर लिखो, हेंस जो फाइनल आंसर होगा फाइनल सम जो होगा यहाँ पे उसको हम एस लिख देते हैं, वो किसके बराबर होगा शुरू के 100 नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें वो नंबर्स होंगे जो 3 और 7 के टेबल में आ रहे होंगे, तो उन जो नंबर्स उनका जो सम आपने यहाँ पे काउंट किया हुआ है ना उसको काउंटर करने के लिए मतलब उसका हटाने के लिए आप जो 3 से नंबर हो रहे हैं उनको माइनस कर दो, जो 7 से हो रहे हैं उनको माइनस कर दो, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो यहाँ पे भी माइनस हो रहे हैं यहाँ पे भी माइनस हो रहे हैं, तो कंपनसेट करने के लिए एक दफा ऐड कर दो आप, तो आंसर आ गया 2842। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है 2842, तो 1 से लेके 100 तक ये उन सब नेचुरल नंबर का सम है, ना तो 3 के टेबल में आते हैं ना 7 के टेबल में आते हैं, और आपने इस टेक्निक से आसानी से सम निकाल लिया। डिफरेंट भी हो सकता है जैसे यहाँ पे 3 और 7 का बोले ना, मे बी पेपर में 3 और 5 आ जाए, आप पहले देखोगे 3 से कौन सब नंबर का सम निकालोगे, जो 5 के टेबल में आते हैं उनका सम निकालोगे, फिर ऐसे नंबर जो कॉमन है जैसे 15 3 के टेबल में भी आता है 5 के टेबल में भी आता है, इसी तरह 45, 60, 75, 90, तो ये 6 नंबर है जो 3 के टेबल में भी आते हैं 5 के टेबल में भी आते हैं, तो फिर इनको आप ऐड कर देना, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला बनेगा, सेम यही टेक्निक होगी, कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो कर लोगे आसानी से इंशाल्लाह। सर यहाँ पे ये सवाल आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं बता दूं तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है S2, S3, S5 जो है वो सम है 2n, 3n, 5n टर्म्स का, मतलब लिखा हुआ है कि 2n टर्म्स का जो सम है इसको उन्होंने S2 बोला हुआ है, जो 3n टर्म का सम है उसको उन्होंने S3 बोला हुआ है, और जो 5n टर्म्स का सम है उनको उन्होंने S5 बोला हुआ है। ये कंडीशन देने के बाद उन्होंने बोला है कि प्रूव करो कि S5 जो है वो बराबर है 5 × S3 − S2, ये आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप S5, S3, S2 निकाल लेना,
फिर राइट हैंड साइड में पुट कर देना तो बराबर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। कैसे निकालोगे? सिंपल, जनरल टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये सम का फॉर्मूला होता है, इसमें आपको ना ए पता है ना आपको डी पता है, ठीक है, लेकिन आपको एन पता है। एन क्या होता है? जिस भी नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितनी उस सीरीज की जो भी नंबर ऑफ टर्म का सम आपको बोला है, जैसे अगर आपको बोला जाए एन टेन है, मतलब दस टर्म का सम आपने निकालना है, तो आप एन की जगह टेन पुट कर देते हो। तो सवाल में बोला हुआ जो एस टू है ना, एस टू का मतलब क्या है? टू एन टर्म्स का सम है, ठीक है। तो टू एन टर्म मतलब एन की जगह आप क्या पुट कर दो? टू एन यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे भी एन की जगह टू एन आ जाएगा और यहाँ पे भी एन की जगह टू एन आ जाएगा और यहाँ ये एस टू के बराबर हो जाएगा। जो टू एन टर्म का सम है ना, नॉर्मली दो टर्म का जो सम है उसको आप टू से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने टू एन टर्म जो है उसको एस टू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोई इशू नहीं है, उनकी मर्जी जो उन्होंने बोला हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, टू से टू कैंसिल करना, एन हो जाएगा, ये टू ए हो जाएगा, ये टू एन डी हो जाएगा, ये माइनस डी हो जाएगा। चाहो तो एन से मल्टीप्लाई कर देना, टू ए एन प्लस टू एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ये आपके पास एस टू आ जाएगा। इसी तरह एस थ्री कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले में एस थ्री कितनी टर्म्स का सम है? थ्री एन टर्म्स का सम है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एन की जगह पे थ्री एन पुट कर दोगे, यहाँ पे भी एन की जगह थ्री एन पुट कर दोगे और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये एस थ्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह सिंप्लीफाई करना, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है उतना सिंप्लीफाई कर देना, डी को मल्टीप्लाई कर देना। और तो मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि बाहर थ्री एन अपॉन टू है, चाहो तो थ्री एन अपॉन टू को अंदर की जो टर्म्स है उनसे भी मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आपके पास एस थ्री भी आ जाएगा। फिर आपको निकालना है एस फाइव, एस फाइव है फाइव एन टर्म्स का, तो यहाँ पे एन की जगह फाइव एन पुट कर देना, यहाँ पे भी एन की जगह फाइव एन पुट कर देना। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड कर देना। जब ये तीनों चीजें आपके पास आ जाएं, फिर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पिक करना, राइट हैंड साइड में S3 पुट करना, S2 पुट करना, दरमियान में सब्ट्रैक्ट करना। आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप खुद ऑब्जर्व करोगे, आपके पास आंसर आ रहा होगा S5 के बराबर। इस तरह आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। इसको ट्राई कर लेना, अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ग्रुप पे भेज दूंगा, गाइड में मेरे पास होगा तो देख लेना, कोई मसला हो तो उसमें पूछ लेना। साथ ही आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सवाल 7 है, उसके बाद बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। 7 में क्या लिखा हुआ था? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो। दो अरिथमेटिक सीरीज हैं जिनके सम को उन्होंने रेशियो की फॉर्म में आपको दिया है। लिखा हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट टर्म, जो उनकी एट टर्म है ना, आठवीं टर्म जो है उसका रेशियो आपको निकालना है। अच्छा, कर लो आप लिख सकते हो सम ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज। मैंने लेट कर लिया यहाँ पे कि SN और SN प्राइम अलग करने के लिए दो अरिथमेटिक सीरीज का जिक्र किया गया ना, तो पहली अरिथमेटिक सीरीज के सम को SN बोल दिया और दूसरी अरिथमेटिक सीरीज के सम को मैंने SN प्राइम बोल दिया। तो ये दो अलग अलग अरिथमेटिक सीरीज हैं जिनको मैंने लेट कर लिया SN और SN प्राइम के बराबर। कंडीशन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू द गिवन, कि इन दोनों जो इनके सम है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो, रेशियो लिखा हुआ है, रेशियो का मतलब डिवाइड करना होता है, एस एन डिवाइडेड बाय एस एन प्राइम। तो सवाल में रेशियो गिवन है किसके बराबर है? थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, ये रेशियो गिवन है। अब इसको इस्तेमाल करके आपने ये चीज मालूम करनी है, ए एट डिवाइडेड बाय ए एट प्राइम, मतलब आठवीं टर्म का रेशियो निकालना है। आठवीं टर्म को आप कैसे लिखोगे? ए एट या टी एट भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। तो जो पहली अरिथमेटिक सीरीज है उसकी आठवीं टर्म और दूसरी अरिथमेटिक सीरीज है उसकी आठवीं टर्म, उसका रेशो निकालना है, मतलब आपको डिवाइड करना है, तो सिंपल लैंग्वेज में। कैसे करोगे आप इस बारे फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करो, फॉर्मूला पुट करो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन टू टू ए माइनस वन टी। इसी तरीके से एस एन प्राइम का फॉर्मूला क्या होगा? एन अपॉन टू टू ए प्राइम प्लस एन माइनस वन डी प्राइम। अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो नंबर ऑफ टर्म तो सेम ही होंगी, यहाँ पे दोनों का बोला हुआ ना कि एन टर्म्स हैं उसके अंदर, तो ऊपर भी मैंने एन लिखा हुआ है, नीचे भी एन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म तो सेम ही है, लेकिन जो अरिथमेटिक सीरीज है वो तो डिफरेंट होगी ना भाई। नंबर ऑफ टर्म उनकी सेम है, फॉर एग्जाम्पल दोनों की 10 टर्म्स है, लेकिन अरिथमेटिक सीरीज तो डिफरेंट है ना, मतलब उनकी फर्स्ट टर्म अलग होगी, कॉमन डिफरेंस उनका अलग होगा। तो भी मैंने चीज लिखी है, पहली वाली सीरीज का मैंने फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी लिखा है, जबकि दूसरी को मैंने बोल दिया ए प्राइम और डी प्राइम, कुछ अलग होगा ना, अलग को मैंने प्राइम कह दिया, ए प्राइम डी प्राइम, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अलग होगी।
सेम भी हो सकती है मे बी, लेकिन हमें तो नहीं पता ना, हम तो नोटेशन में अलग अलग ही कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, हमने ये काम कर दिया, जो नीचे वाली है उसको हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर जो है उसको नॉर्मल हम नोटेशन यूज कर रहे हैं। ये करने के बाद क्या करोगे, एन अपॉन टू, एन अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2a प्लस एन माइनस 1d, और नीचे बचेगा 2a प्राइम प्लस एन माइनस 1d प्राइम। क्या करो, दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लो, मतलब न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन लो। अब देखो क्या होता है, जब मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन लूंगा तो पहली टर्म में क्या होगा, पहली टर्म में a बच जाएगा, दूसरी टर्म में देखो 2 नहीं आ रहा। जब आप जबरदस्ती का 2 कॉमन लोगे ना जो दूसरी टर्म में मौजूद नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो a से मल्टीप्लाई करोगे 2a आ जाएगा। जब आप 2 को टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास n माइनस 1 d आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जबरदस्ती का कॉमन, कि यहाँ पे आपको 2 कॉमन नजर आ नहीं रहा, आपने कॉमन ले लिया, तो किस तरह करोगे, जिस टर्म से आपने कॉमन लिया जिसमें कॉमन मौजूद नहीं था, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ रही होगी। सेम काम नीचे भी कर दो, 2 कॉमन लो, तो यहां से बचेगा a प्राइम, वही n माइनस 1 अपॉन 2 d प्राइम। तो जो फाइनल आंसर आया उसको लिख लेते हैं, फाइनल आंसर ऊपर क्या है, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d, और डिनोमिनेटर में है a प्राइम प्लस n माइनस 1 2 d प्राइम, और राइट हैंड साइड है 3n प्लस 2 n प्लस। आप निकालना चाह रहे थे आठवीं टर्म का रेशो, अगर आपको याद हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की या सीरीज की जो भी है, ये हुआ करती थी। तो तीसरी टर्म है उसमें डी के साथ क्या आ रहा है, डी के साथ टू आ रहा है। जो चौथी टर्म है उसमें डी के साथ क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। जो पांचवी टर्म होगी उसमें डी के साथ फोर आएगा। जो सातवीं टर्म होगी उसमें डी के साथ सिक्स आएगा। जो नंबर ऑफ टर्म है ना उससे एक कम डी के साथ आ रहा होता है। तो अगर आठवीं टर्म होगी उसमें डी के साथ क्या आएगा, सेवन आएगा। यहाँ पे आठवीं टर्म का रेशो निकालना चाह रहे हो तो आप न्यूमरेटर को ये बना दो, आठवीं टर्म ही तो है, अगर आप इसको आगे बढ़ाए, चौथी टर्म है ना, पांचवी टर्म होगी a प्लस 4d, छठी टर्म होगी a प्लस 5d, सातवीं टर्म होगी a प्लस 6d, और आठवीं टर्म क्या होगी a प्लस 7d। तो आप दोनों की आठवीं टर्म का रेशो निकालना चाह रहे हो, तो आप किसी तरह न्यूमरेटर को a प्लस 7d कर दो, डिनोमिनेटर को a प्लस 7d प्राइम कर दो। तो ये चीज जो है ये रिप्रेजेंट करेगी a 8 को, और ये चीज रिप्रेजेंट करेगी a 8 प्राइम को। इन दोनों की आठवीं टर्म का रेशो आ जाएगा आपके पास, और रेशो किसके बराबर होगा, जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होगा, आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, निकालो ऐसी कौन सी n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं और मेरे पास d के साथ क्या आ जाए, 7 आ जाए। मतलब मैं ऐसा n क्या पुट करूं यहाँ पे कि d के साथ ऊपर भी 7 आ जाए, नीचे भी 7 आ जाए, ये मैं कैसे पुट करूंगा, देख लो टेक्निक क्या होगी। आप क्या करो, जो d के साथ लिखा हुआ है ना वो क्या होना चाहिए, d के साथ जो लिखा हुआ है n माइनस 1 अपॉन 2, ये 7 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा था जो आठवीं टर्म है उसमें d के साथ 7 आ रहा होता है। तो यहाँ पे d के साथ क्या आ रहा है, n माइनस 1 अपॉन 2, आप इसको 7 के बराबर रखो, ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 15। इसका मतलब जब आप n यहाँ पे 15 पुट करोगे ना, तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a प्लस 7d आ जाएगा, जो आप चाह रहे हो। तो जैसे ही आपको पता चल गया n 15 है, तो आप पुट कर दो n इज इक्वल टू 15 इन 1, इसको 1 का फॉर एग्जांपल नाम दे देना, आप n की जगह 15 पुट कर दो, तो न्यूमरेटर में भी n की जगह 15 पुट कर दो, n की जगह 15 पुट कर दो, और आप पूरी फ्रैक्शन में पुट करते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड पे, तो यहाँ पे भी n की जगह 15 पुट कर दो, n की जगह 15 पुट कर दो, तो पूरी आपके पास जो इक्वेशन है उसमें n की जगह आपने 15 पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 माइनस 1 14, 14 अपॉन 2 क्या होगा, 7। तो यहाँ पे होगा a प्लस 7d, यहाँ पे होगा a प्राइम प्लस 7d प्राइम, ये हो जाएगा 45, 45 प्लस 2 क्या होता है 47, 15 प्लस 1 क्या होता है 16। आ रही है, चलो बुक में ये लिखा होता सही है, चलो ये लिखा रहा, एक सेकंड मुझे आंसर भी कंफर्म करने दो, क्वेश्चन नंबर 7, 4.4। आंसर वैसे इतना अजीब होता नहीं है, उन्होंने सवाल से अजीब बनाया था, 4.4 का 7, ये फालतू से आंसर आ रहा है।
तो आपके पास आंसर आ रहा है 47/16, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, नॉर्मली 48/16 होता तो आप इसको 3 लिख देते ना, 16 को 3 से करें तो 48 आता है, तो खैर यही इसका आंसर आ रहा है। अब a प्लस 7d क्या होता है, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 7d को आप लिख सकते हो a8 आठवीं टर्म, और a प्राइम प्लस 7d प्राइम को आप लिखोगे आठवीं टर्म दूसरी अरिथमेटिक की, और रेशो किसके बराबर आया, रेशो आया है 47/16 के, जिसको रेशो की फॉर्म में विस्तार भी लिख सकते हो 47:16। तो यही करना था आपको, आठवीं टर्म का रेशो निकालना था जो कि आपके पास आ गया 47:16 आ गया। आप पेपर में सवाल चेंज भी करते हैं, जो मैंने मेथड करवाया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा आप लोगों से सवाल है, फिर क्लास एंड होने वाली, जल्दी से बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि छठी टर्म का रेशो निकालो, आप n माइनस 1/2 को किसके बराबर रखोगे, सिक्स टर्म का रेशो चाहिए तो मैं n माइनस 1/2 को किसके बराबर रखूंगा, 5 के बराबर, क्योंकि आपको पता जो छठी टर्म होगी उसमें d के साथ 5 आ रहा होगा, एक कम आता है d के साथ, तो अगर मुझे सिक्स टर्म का रेशो चाहिए, मतलब a6/a6 का, तो मुझे d के साथ क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो आप वहां पे n माइनस 1/2 को 5 के बराबर रखना, जो भी n की वैल्यू होगी पूरी फ्रैक्शन में पुट करना, आपके पास रेशो आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको पहली टर्म का निकालना है, तो पहली टर्म में अगर आपको याद हो तो d नहीं आता, पहली टर्म में d का कोएफिशिएंट 0 होता है, पहली टर्म को आप a से लिखते हो ना, a को इस तरह भी लिख सकते हो a+0d, इसका मतलब पहली टर्म में d के साथ 0 आता है, तो अगर आपको पहली टर्म का रेशो निकालना होगा तो आप इस पूरी वैल्यू n माइनस 1/2 को 0 के बराबर लिखोगे, और वहां से वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू मेखल में 1 आ रही होगी वहां से, तो पहली टर्म का रेशो आ जाएगा जब आप n की जगह 1 पुट करोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी टर्म का रेशो निकाल सकते हो।